गुड मॉर्निंग गाइस गाइस, रशिया की सीरीज लास्ट संडे खत्म हो चुकी है। आपको बहुत पसंद आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आपका रशिया में खर्चा कितना आया, टोटल एक्सपेंसेस कितने रहे हैं वहां पे। तो मुझे लगा कि ठीक है, कजाकिस्तान की सीरीज दिखाने से पहले क्यों ना मैं आपको रशिया के बारे में थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन दूं, जिसमें कि वहां के एक्सपेंसेस, वीजा, इमिग्रेशन पे। गाइज, ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं उन लोगों के लिए जो रशिया जाना चाहते हैं या रशिया का जिनका प्लान है घूमने का फ्यूचर में। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एक्सपेंसेस पे, कि खर्चा आखिर कितना है, कितना इंसान बजट बनाए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके थंबनेल पे लिखा होता है कि 25,000 में रशिया घूम लिया मैंने, 30,000 में घूम लिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थंबनेल में कोई चीज देखना और एक्चुअल में वहां पे जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। 25-30-35,000 में कोई भी रशिया नहीं घूम सकता है, सीधी सी बात है। पैसा आपको चाहिए, कितना पैसा चाहिए वो एक एक चीज मैं आपको कम्प्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। कितना आपका एयरफेयर होगा, क्या क्या और खर्चे हैं जिससे कि आप एक अच्छा ट्रिप कर सकते हैं, जिस बजट पे मैं खुद भी रशिया घूम के आया हूं, और एक्सपेंसेस और कम एक्सपेंसेस में आप कैसे रशिया घूम सकते हैं, उस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो खर्चा स्टार्ट होता है गाइज, वो होता है वीजा से। वीजा आपको परचेज करने के लिए रशियन एम्बेसी को जो पैसे देने हैं वो है 2130 रूपये। अब एक चीज यहां पे एक चीज और है कि रशियन एम्बेसी खुद वीजा प्रोसेस नहीं करती है। रशियन एम्बेसी ने वीएफएस ग्लोबल नाम की एक कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ वीजा प्रोसेसिंग के लिए, तो वो आपसे लेते हैं 1830 रूपये। यानी कि 2130 रूपये प्लस 1830 रूपये, ये हो जाते हैं 3960 रूपये। टोटल मैंने जो वीजा के लिए पे किया था वो किया था 3960 रूपये। लेकिन इसमें एक और चीज है, वीजा प्रोसेसिंग के लिए आपको रशिया से एक इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इनविटेशन लेटर क्या होता, कैसे वीजा प्रोसेस होता है। उस लेटर को आप ले सकते हैं 1400 रूपये से लेकर 2000 रूपये के बीच में, अलग अलग वेबसाइट से आज की डेट में, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। तो इसका अगर मैं मान के चलूं कि लगभग आपका जो खर्चा है वो 1500 रूपये, आप हम एवरेज मान के चलते 1500 रूपये का खर्चा इस पे और आएगा, तो लगभग आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 5500 रूपये का आएगा सिर्फ और सिर्फ वीजा परचेज करने के लिए, 5500। दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा उसके बाद आता है वो आता है एयरफेयर का, यानी कि एयर टिकट का। गाइज देखिये, एयर टिकट लेना बड़ा ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम इन द सेंस कि आपको सस्ते में एयर टिकट कैसे मिलेगी, ये थोड़ा सा आपको बड़ा चैलेंजिंग वाला हो जाता है। इनफैक्ट कई बार, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं रशिया जा रहा था तो उस टाइम पे आपको याद होगा 2019 मई में पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस अपना पूरा बंद कर दिया था, जिस वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स, जैसे कि एयर अस्ताना ने अपना ऑपरेशन इंडिया के लिए बंद कर दिया था, और उसके हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो अरेबियन सी के ऊपर से जा रही थी कहीं से मिडिल ईस्ट होते हुए, तो जिस वजह से जो एयर फेयर है वो एकदम से बढ़ गया था। खैर, बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कुछ रूट्स ओपन किए इंडियन बाउंड फ्लाइट्स के लिए, तो जिसका थोड़ा सा फायदा मुझे ये मिला कि ओमान एयर ने फिर इंडिया के लिए अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और सस्ते में टिकट मिल गई। एयर टिकट लेने से पहले सबसे पहले आपको उस डेस्टिनेशन के लिए मिनिमम कितना एयर फेयर है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने रशिया जाने से पहले पूरा खंगालता रहा इंटरनेट कि दिल्ली से मॉस्को के लिए जो मिनिमम किराया है वो कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्राइस पे एयर टिकट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी पैसे दे देंगे। गाइज, दिल्ली से मॉस्को के लिए जो मिनिमम एयर फेयर है वो है 23,000 रूपये। यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो रिटर्न फ्लाइट की बात कर रहा हूं, यानी कि दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से दिल्ली के लिए 23,000 रूपये का मिनिमम किराया रहता है पूरे साल भर में, कि किसी भी महीने में जो मिनिमम किराया है वो 23,000 रूपये रहता है। यानी कि अब आपको पता चल गया कि यहां से मॉस्को के लिए 23,000 रूपये मिनिमम रहता है। अगर आपको 23,000, 24,000, 25,000 या इसके आसपास की टिकट मिलती है तो समझ लीजिए आपको बहुत बेस्ट डील मिली। लेकिन कई बार आपको बहुत ज्यादा प्राइस पे मिलेंगी, जैसे कि आपको दिखेगा कि 35,000 में मिल रही है, 37,000 में मिल रही है, 42,000 में मिल रही है,
मैं जबकि अपनी बात करूं तो उस टाइम पे जो ज्यादातर फ्लाइट में, क्योंकि वो वही वो एयर स्पेस वाला प्रॉब्लम था पाकिस्तान ने जो बंद किया था, तो उस वजह से जो फ्लाइट्स की टिकट हैं वो 47,000 तक की पहुंच गई थी दिल्ली से मॉस्को के लिए। अब 47,000 का मतलब है लगभग लगभग नॉर्मल किराए से दुगना किराया, जो कि एक बजट ट्रेवलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उस टाइम पे इंटरनेट को और जबरदस्त तरीके से खंगालना शुरू किया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एयर टिकट लेने से पहले बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको पता कैसे चलेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एयर फेयर को कंपेयर करती हैं। स्काई स्कैनर हो गया, क्याक हो गया, मोमोंडो है, विया है, यात्रा डॉट कॉम है, या वीगो है, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, ये आपको जो एयर फेयर है ये आपको कंपेयर करके बताती हैं कि किस फ्लाइट में कितना किराया है या किस कंपनी के थ्रू आप जो है कम प्राइस में एयर टिकट परचेज कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी ओटीएज हैं, जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज हैं, उनके जो किराए हैं उस पार्टिकुलर एक फ्लाइट के लिए, सेम वही फ्लाइट, सेम वही टाइम की फ्लाइट के लिए बहुत सारे ओटीएज में अलग अलग तरह के जो है फेयर आपको मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज मैटर करती है वो डेट भी कई बार मैटर करती है। कैसे? कई बार ऐसा हुआ है कि सपोज मान लीजिए 14 तारीख को मुझे फ्लाइट मॉस्को की मिल रही है 35,000 रुपए की, लेकिन वही 16 तारीख को मुझे मिल रही है 28,000 रुपए की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं डेट्स के मामले में तो आप पैसा बचा सकते हैं। इसके लिए आप स्काई स्कैनर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्काई स्कैनर में एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आप अपना ओरिजिन है जहां से आप चल रहे हैं और डेस्टिनेशन पॉइंट्स अगर आप डालेंगे तो उसके बाद वो आपसे डेट मांगेगा, और डेट की जगह पे वो होल मंथ का भी ऑप्शन आता है कि पूरे महीने भर में उस ओरिजिन से लेकर उस डेस्टिनेशन तक की कितने कितने तरह के किराए हैं। तो वो आपको हेल्प करेगा डेट डिसाइड करने में। तो मैंने भी ठीक वही किया जो सबसे लोएस्ट था। इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट में बैठा तो आसपास में जो पैसेंजर थे, अब बातें हो ही जाती हैं, आसपास में जो पैसेंजर थे, मैं हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि आपको कितने की फ्लाइट टिकट मिली। मेरी जो एयर टिकट थी वो सबसे सस्ती थी उन लोगों के मुकाबले। इवन मेरे जो बगल में बैठे हुए थे उनकी 35,000 की थी। मैंने जो फ्लाइट की टिकट ली थी वो मुझे पड़ी थी 28,800 रुपए में। फ्लाइट की टिकट बुक करते हुए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। ज्यादातर मामलों में क्या होता कि अगर आप रिटर्न फ्लाइट एक ही प्लेन की करते हैं या एक ही एयरलाइन की करते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है। जैसे दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से दिल्ली, अगर आप सेम एयरलाइन में करेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी। मेरे केस में थोड़ा अलग ये था कि मुझे यहां से रशिया जाना था, लेकिन रशिया से मुझे कजाकिस्तान जाना था, यानी कि मुझे जो फ्लाइट चाहिए थी वो वन वे की फ्लाइट चाहिए थी। तो मैंने ढूंढा, सबसे सस्ती मुझे जो मिली वो 14,200 रुपए में ओमान एयर दे रही थी वाया मस्कट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 3 घंटे का लेओवर था मस्कट में, आपने देखा मेरी वीडियो में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। 14,000 में वो मुझे यहां से लेके गई वाया मस्कट होते हुए मॉस्को। रिटर्न की जो फ्लाइट है मुझे कजाकिस्तान होते हुए आना था, क्योंकि ओमान एयर कजाकिस्तान होते हुए दिल्ली नहीं आती है। तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो था एयर अस्ताना का। उस टाइम तक एयर अस्ताना ने अपने, जब मैं वापस आया तो उस टाइम तक एयर अस्ताना ने अपने अपना ऑपरेशन इंडिया के लिए शुरू कर दिया था। तो मेरी जो फ्लाइट थी फिर मैंने वो वाया अलमाटी दिल्ली आनी थी, क्योंकि मुझे अलमाटी में घूमना था। उन्होंने मुझे जो टिकट दिया वन वे का वो मुझे मिला 14,600 रुपए का, यानी कि मैंने टोटल जो प्राइस पे किया वो 28,800 रुपए पे किया, जबकि मेरे साथ में जितने लोग बैठे हुए थे किसी का 35,000 था, किसी का 38,000 था। तो आप गाइज इस चीज को समझिए कि आपको एक तो डेट का ध्यान रखना है, थोड़ा फ्लेक्सीबिलिटी अगर आप रखेंगे तो आपको कम कम एयर फेयर पे करना पड़ सकता है। और दूसरा जो डायरेक्ट एयरलाइंस हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स है, जैसे यहां से रशिया जाने के लिए जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो है एरोफ्लोट, जो मॉस्को की नेशनल एयरलाइन है। थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत नहीं है कहीं लेओवर लेने में तो आप अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि वो आपको 6 घंटे में जरूर पहुंचाती है, लेकिन वो आपके दूसरी फ्लाइट्स के मुकाबले 4 से 5,000 रुपए महंगी होती हैं, जिसमें आप थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे जो है सस्ते में फ्लाइट की टिकट मिली। तो आप याद रखिएगा कि ऑनलाइन आपको ढूंढना पड़ेगा, आप सर्च कीजिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए डेट्स के मामले में, तो आपको कहीं ना कहीं सस्ती टिकट आप ले सकते हैं। मैंने आपको एक
आइडिया दे दिया है कि लगभग 23,000 रुपए की टिकट रहती है यहाँ से मॉस्को की आने जाने की, तो उसके अगर आसपास आपको मिलती है, हालांकि मुझे 5,000 रुपए महंगी मिली क्योंकि वो उस टाइम पे एयर स्पेस की वजह से ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो एक्चुअल में कैंसिल हो गई थी, तो मुझे 28,800 में मिली। फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, 5,000 अगर मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो गाइज इसके बाद जो खर्चा आता है, अब आप पहुंच जाते हैं रशिया, उसके बाद सबसे पहला आता है कि आपको अपने खर्चे के लिए पैसे निकालने हैं, करेंसी विड्रॉल की। करेंसी आप निकालें कैसे? अगर आपको कहीं से करेंसी मिल जाती है रशियन रूबल तो आप लेके जाइए, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप लेके जाते हैं डॉलर, भाई डॉलर पहले आप कमीशन दोगे यहां पे डॉलर के लिए, फिर आप वहां पे डॉलर को कन्वर्ट करोगे रूबल में, फिर आप कमीशन दोगे वहां पे, वो आपको बहुत महंगा बैठ जाएगा। उससे अच्छा एक चीज है कि आप नॉर्मली अपने डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे विड्रॉ कीजिए। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही बहुत सारे आपको एटीएम मशीन्स नजर आ जाएंगी, तो आप वहां पे रशियन रूबल विड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा कि 1200 रुपए के कमीशन पे मुझे आईसीआईसीआई बैंक ने 15,000 रूबल मुझे दे दिए थे और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मैं किसी के कहने पे दिल्ली में ले रहा था 15,000 रूबल और वो भाई साहब मुझसे कमीशन मांग रहे थे 3,000 रूपये, तो मैंने पैसे बचा लिए वहां पे भी। और दूसरी चीज ये रहती है गाइज कि ऐसा हुआ है, मेरे एक फ्रेंड है, वो एक्चुअल में दुबई गए तो उनके साथ ये चीज हुई थी कि वो यहां से करेंसी कन्वर्ट करके लेके गए। अब दिक्कत ये होती है कि देखिए, अब यहां तो भाई हमें अपने ही नोट का पता नहीं चलता कौन सा नकली है कौन सा असली है, अगर आप उसको ध्यान से न देखें। अब एक ऐसी करेंसी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा जो आपने कभी देखी ना हो जिंदगी में? तो उनके साथ अच्छा ये हुआ कि वो जो मेरे जानने वाले हैं वो बिल साथ में लेके गए थे, तो एक उसमें से नोट नकली निकला, वहां पे पुलिस केस हो गया था, बड़ी मुश्किल करके जान छूटी। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, जान छूटी वो एक भाई चलो अलग बात है, छूट गए लेकिन प्रॉब्लम तो हुई ना। अब एक किसी अब आप करोगे क्या, वापस आके आप उसके ऊपर केस करोगे? लेकिन आपका मूड तो उसने खराब कर दिया वहां पे, जो होना था वो तो आपको 10 बहाने बना देगा उसके बाद में, या आपको पैसे वापस दे भी देगा, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया। तो एक्चुअल में मुझे सच बात तो ये है कि करेंसी वालों के ऊपर भाई भरोसा बिल्कुल नहीं है। तब से पहले मैं भरोसा करता था, लेकिन तब से लेके मुझे बड़ा डर लगता है। उससे अच्छा मैं अपने आईसीआईसीआई बैंक या अपने बैंक को कमीशन दे दूं, कम से कम ये तो है भाई कि एटीएम से पैसे निकले हैं, और एटीएम से पैसे निकलने में नकली नोट होने के कोई चांस होते नहीं है, तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने जो पैसे निकाले, आपने वीडियो में देखा भी होगा, वो निकाले थे 15,000 रूबल। उस टाइम पे जो रेट था वो था 1.10 रूपये, यानी कि हमें जो 1 रूबल परचेज करने के लिए 1.10 रूपये पे करने थे। मेरे अकाउंट से जो डिडक्ट हुए वो हुए 15,000 रूबल के लिए 16,500 रूपये, प्लस 1200 रूपये मेरे बैंक ने कमीशन लिया विड्रॉल का, यानी कि टोटल मुझे जो 15,000 रूबल पड़े वो मैंने वहां पे खर्च किए 17,700 रूपये। मैं इंडियन करेंसी में बात करूंगा तो मैंने 17,700 रूपये वहां पे पे किए। गाइस ये 17,700 रूपये एक्चुअल में मेरे रशिया में भी काम आए, मैंने ट्रेन का फेयर, खाना पीना वहां पे, मेट्रो का, चाहे मैं मॉस्को में घूमा हूं, चाहे मैं बेलगोरोड में घूमा हूं। उसके बाद मेरे पास काफी सारी करेंसी बची थी रशिया की, जो मैंने यूज की कजाकिस्तान में। मैंने क्या किया कि कजाकिस्तान में एयरपोर्ट पे उसको टेंगे में कन्वर्ट कर लिया था वहां पे, तो वो मेरे वहां पे भी काम आई। फिर मैंने अपने घर के लिए, आपने देखा होगा रशिया से सामान भी काफी लेके आया था, अभी भी मेरे पास 1500 रूबल बचे हुए हैं जो मैं वापस लेके आया हूं अपने साथ में। इसको अपने साथ में यादों की तरह रखूंगा, या कभी दोबारा रशिया जाना हुआ तो वहां पे हो सकता मैं यूज कर लूं, हालांकि मैं सिक्के भी साथ में लाया हूं। तो लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्योंकि मैंने वहां पे मैं अपने होस्ट के घर रुका था, उन्होंने मेरे ऊपर काफी सारा पैसा खर्च किया। गाइस उन लोगों ने मेरे से घर में जो खाने का पैसा है वो बिल्कुल नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपने इनको कितना पैसा दिया, भाई उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। एक दिन हम लोग स्टोर में गए थे, उस दिन मैंने कैश काउंटर पे अपना कार्ड घुसा दिया था कि भाई तुम ले लो इससे पैसे, लेकिन तानिया नहीं चाहती थी कि मैं पैसा पे करूं, और लेकिन उस दिन मैंने दे दिया। मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा यार अजीब लगता है ना कि आपको वो लोग घुमा भी रहे हैं, ना फ्यूल के पैसे ले रहे हैं, आपको रख भी रहे हैं, इतनी अच्छी आपको इज्जत दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको खाने के लिए वो स्पेशल खाना लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं तो मेरे लिए उनको स्पेशल खाना परचेज करना पड़ता था। तो मैंने कहा भाई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस उन्होंने मुझसे ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए, कभी नहीं लिए। तो मैंने थोड़ा सा
कोशिश की कि भाई चलो बच्चों के बहाने ही सही, किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ जितना दे सकता था कोशिश की देने की। अगर तो आप भी काउच सर्फिंग करते हैं तब तो आपका जो एक तो होटल का जो खर्चा है या हॉस्टल का जो खर्चा है वो आपका पूरा बच जाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई खाने के ऊपर आप अपने जो होस्ट हैं उनके ऊपर बर्डन ना बनिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि होस्ट आपसे पैसा नहीं लेंगे। रशियन जो लोग हैं भाई वो बहुत अच्छे हैं, वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने से कोशिश कीजिए कि उनको देने के लिए। ये आप जानते हैं हम इंडियंस में होती ये चीज कि हम लोग नहीं कर सकते हैं कि फ्री की चीज खाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम रह रहे हैं किसी के साथ में, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप फिर होटल में रुकते हैं, आपका कोई काउच सर्फिंग का इरादा नहीं है, तो गाइज मॉस्को में आपको फिर होटल में अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको 700 रुपए से होटल स्टार्ट हो जाता है मॉस्को में पर नाइट के लिए। और अगर आप हॉस्टल में रुक सकते हैं तो हॉस्टल में आपको 300 रुपए या 350 रुपए में आपको हॉस्टल आराम से मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका जो ट्रिप है एक महीने का, मैं अभी ट्रिप की बात करूंगा एक महीने की, एक महीने में जो आपका खर्चा आता है वो आपका हॉस्टल पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 9.5 या 10 हजार रुपए आ जाएगा। 9.5 या 10 हजार रुपए में आप पूरा महीना भर आप जो है रुक सकते हो हॉस्टल में। अगर आप होटल की बात करें तो आप लगभग मान के चले, अगर मैं 800 रुपए भी मान के चलूं, 800 रुपए में अच्छा खासा होटल मिल जाता है मॉस्को। और अगर आप मॉस्को से छोटे शहर में जाते हो, गांव में जाते हो, वहां तो आपको 500-500 रुपए में भी आपको होटल मिल जाएंगे, अच्छे होटल मिल जाएंगे। होटल में रुकते हैं तो 800 रुपए के हिसाब से फिर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा, लगभग 24-25 हजार रुपए आपके लग जाएंगे एक महीने के। तो आप देख लीजिएगा जैसा भी आपके आपको सुविधाजनक लगे। उसके बाद जो घूमने का है वो खर्चा कैसा है, देखिए रशिया में जो फेयर है जैसे ट्रेन का है वो हमारे मुकाबले थोड़ा महंगा है। मैं मॉस्को से बेलगोरोड गया, टोटल डिस्टेंस है 700 किलोमीटर और वो सिटिंग वाली ट्रेन थी आने और जाते हुए दोनों टाइम पे, किराया था 1100 रुपए। वो ठीक वैसी ही थी जैसे हमारी शताब्दी ट्रेन होती है या राजधानी होती है, लेकिन थर्ड सीटिंग थी, एयर कंडीशन ट्रेन थी, लेकिन उसमें आपको खाना नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे फूड भी सर्व किया जाता है शताब्दी में या राजधानी में, उसमें फूड नहीं मिलेगा आपको, तो थोड़ी महंगी है। और मॉस्को सिटी में घूमने के लिए सबसे बेस्ट है मेट्रो। एक राइड का आपको 55 रूबल आपको देना पड़ेगा, वो राइड आप कहीं से भी कहीं तक की कर सकते हैं। वहां की जो मेट्रो की जो सर्विस है वो बड़ी जबरदस्त है, इंटरकनेक्टेड है आपस में सारे स्टेशंस, तो आप बड़े दूर दूर तक आप 55 रुपए में जा सकते हो। क्योंकि अगर आप टैक्सी यूज करोगे तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा 55 रुपए। आपने देखा होगा कि मैं हर बार जो है वहां पे मेट्रो में घूम रहा था, तो एक पास भी बनता है अगर आपके ज्यादा ट्रिप होते हैं तो, एक 230 रूबल का पास बनता है पर डे का, जिसमें आप मेट्रो जो ट्रैम्स और बसेस इनमें अनलिमिटेड जर्नी कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, 24 घंटे के लिए, यानी कि अगर आप सुबह 11 बजे ये लेते हैं तो दूसरे दिन 11 बजे तक के लिए वैलिड होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये एक दिन के लिए वैलिड होता है, लेकिन भाई ये मैंने प्रैक्टिकल किया, आज मैं अगर इसको परचेज करूंगा तो ये एग्जैक्टली जब मैं उसको पंच करूंगा तब से लेके ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। 24 घंटे मतलब एक दिन, लेकिन ये दूसरे दिन भी काम आता है अगर आपने पहले दिन उसको लेट लिया हो। मान लीजिए 2 बजे आप लिया हो तो दूसरे दिन 2 बजे तक चलेगा ये, तो ये भी काफी अच्छा कार्ड है। एक और चीज है वो है भाई फूड कितना महंगा है। गाइज देखिए, अगर तो आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन के लिए भाई बड़ा ही एडवेंचरस रहता है, ये मैंने देखा है अपने साथ में। वेजिटेरियन लोगों के लिए बाकी सब चीजें तो एडवेंचर रहेंगी ही रहेंगी, खाना ढूंढना भी ये बड़ा एडवेंचर रहता है, बड़ा मजा आता है। रशिया में आपको कैंड फूड आपको मिल जाएगा, आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में जिसमें मैं दिखा रहा था कि 50 रूबल में 40 रूबल में कैंड फूड आपको मिल जाता है, राजमा मिल जाती है, जैसे मटर मिल जाते हैं, बहुत सारी और भी दालें आपको कैंड मिल जाएंगी। एक टाइम के लिए वो आपका चलेगा, यानी कि 50 रूपये में आपकी एक टाइम की राजमा। अगर आप साथ में परचेज करते हो राइस, वो भी आपको 60-70 रुपए में आपको मिल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपका जो एक टाइम का जो खाना है पूरा वो लगभग 120 रुपए का आपका रहेगा, 100 से 120 रूबल का। यानी कि आप इसको अगर आप इंडियन उसमें कन्वर्ट करें तो लगभग आप मान के चलिए कि एक अच्छा खासा खाना आप 120 से 140 रुपए में आप खा सकते हैं। अब दिन में अगर आप 2 या 3 बार खाना खाते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग 350 रुपए में आपका काम हो जाएगा। एक महीने का जो खाने का खर्चा वो भी भैया 10 हजार के आसपास का आपका रहेगा, 10 हजार आपका रहना हॉस्टल में, 10 हजार आपका खाना, ये आपका हो जाएगा। तो 20 हजार रुपए आपके ये हो गए।
बाकी अगर कोई नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा वहां पे ऑप्शन है, हर चीज आपको मिल जाएगी वहां पे। खैर उसके बारे में मुझे प्राइस का मालूम है नहीं क्योंकि भाई मैंने परचेज किया नहीं, वो आप एक बार जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन वेराइटीज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। लेकिन वेजिटेरियन के लिए ये चीज है कि 10,000 रुपए में 1 महीना का खाना आराम से हो जाएगा। तो गाइज फाइनली अब मैं अपना खर्चा आपको बताता हूँ। गाइज मैंने जो खर्चा किया वो लगभग 50,500 रुपए का मेरा खर्चा आया। मेरा जो वीजा था वो था 1 महीना 10 दिन का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई टूरिस्ट वीजा तो 30 दिन का होता है रशिया का, आपको 1 महीने 10 दिन का कैसे मिल गया। गाइज मेरा टूरिस्ट वीजा नहीं था, मेरा एक और ही वीजा था, मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। उस वीजा को, सच बात तो ये, उस वीजा को ज्यादातर इंडियन जानते भी नहीं है और ना ही कोई यूज करता है। 1 महीना 10 दिन का मेरा जो ये वीजा था, तो इसमें मेरा जो टोटल खर्चा आया ये आया 50,500 रुपए, जिसमें से मैंने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की वहां पे, और मेरे पास करेंसी बची हुई भी है यहाँ पे लगभग 1,500 रूबल। तो लेकिन हाँ ये है कि वहां पे मुझे जो हेल्प की वो रशियन लोगों ने की थी। अगर आपको कोई इस तरह के रशियन होस्ट मिलते हैं तो आप आराम से, एक चीज और है, आप और पैसे बचा सकते हैं। मुझे ज्यादा पड़ा था ये लगभग 5,000 रुपए, आप यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं एयर फेयर में, क्योंकि मुझे जो टिकट पड़ी थी वो 28,800 रुपए की पड़ी थी। आप कोशिश कीजिए, मॉस्को की टिकट आराम से 23 से 24 हजार रुपए की मिल जाती है। जब भी इस तरह की कोई टिकट मिल जाए फटाक से आप बुक कर लेना, और आप यहाँ पे 4-5 हजार रुपए वो भी आपके बच जाएंगे। अगर आपके 4-5 हजार रुपए बच जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका हॉस्टल का लगभग 15 दिन का खर्चा आपने निकाल लिया। तो गाइज बजट ट्रेवलिंग का यही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ही छोटे अमाउंट में हम लोग ट्रेवलिंग करें, क्योंकि भाई इतने पैसे तो हम लोग खर्च कर नहीं सकते हैं, बाकी भी दुनिया घूमनी है, अब एक ही कंट्री के ऊपर फोकस तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जो बजट बनाया था जाने से पहले, मेरा बजट था 80,000 रुपए का, कि मुझे, मैंने सोच लिया था कि लगभग इतने खर्चे हो जाएंगे 80-90 हजार रुपए। लेकिन जब गाइज में वापिस आया तो मैं बड़ा खुश था, मेरे 50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें से ज्यादातर जो है वो एयर फेयर था। तो आप भी घूम सकते हैं, आप मान के चलिए कि 50 और 55 हजार रुपए के बीच में आप आराम से रशिया का एक ट्रिप कर सकते हैं। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आने वाली वीडियोस में भी रशिया के बारे में। सो गाइज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।